हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एम डी हेल्प यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बीए थर्ड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है, थर्ड सेमेस्टर सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट है जिन्होंने डिस्टेंस एडमिशन ले रखा है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में, उनके एग्जाम सिलेबस के बारे में बात करेंगे। थर्ड सेमेस्टर में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, जो आपका थ्योरी का पेपर है वो कितने नंबर का रहेगा, असाइनमेंट कितने नंबर की जमा होगी, कितने घंटे का पेपर रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप प्रत्येक सब्जेक्ट की बुक की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके बारे में भी दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर कोड दिए गए हैं प्रत्येक सब्जेक्ट के। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सब्जेक्ट नेम देख सकते हैं, जो आपका इंग्लिश और हिंदी है वो आपका सब्जेक्ट कंपलसरी रहता है। उसके बाद ग्रुप वन और ग्रुप सेकेंड में से आपको एक एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है। सब्जेक्ट देख लेते हैं, हिस्ट्री, माइक्रो इकोनॉमिक्स, भारतीय प्रशासन ये आपका देख सकते हैं, भारतीय सरकार एंड राजनीति, उसके बाद ये आपके मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट हो गए, और संस्कृति आपके सब्जेक्ट रहेंगे। बीए थर्ड सेमेस्टर के 80 नंबर का प्रत्येक सब्जेक्ट का पेपर रहता है, 20 नंबर की असाइनमेंट होती है प्रत्येक सब्जेक्ट की। टोटल आपका प्रत्येक सब्जेक्ट दोस्तों 100 नंबर का रहता है। ठीक दोस्तों, 3 घंटे का आपका पेपर रहता है। अब हम एग्ज़ाम सिलेबस देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले जो आपका सब्जेक्ट रहेगा इंग्लिश का सब्जेक्ट रहेगा, उसका एग्जाम सिलेबस यहाँ पर आप देख सकते हैं। पेपर कोड मैंने पहले ही आपको बता दिया है। जो आपकी बुक रहेगी लिटरेचर एंड लैंग्वेज आपकी बुक रहेगी, उसके अंदर टोटल आपकी 5 यूनिट रहेंगी। थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस में 5 यूनिट रहेंगी। यूनिट के अंदर आप देख सकते हैं द इनोवी दोस्तों, ये आपका लेसन रहेगा। ठीक है दोस्तों, आप देखते हैं कौन कौन से आपके लेसन रहेंगे प्रत्येक यूनिट में। टोटल आपकी 5 यूनिट रहेंगी इंग्लिश के सिलेबस में। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं। ठीक दोस्तों, इसके बाद में जो आपका अगला सब्जेक्ट रहेगा वो भी देख लेते हैं। अगला सब्जेक्ट आपका हिंदी का रहेगा, यहाँ से आप देख सकते हैं 3 घंटे का पेपर, 80 नंबर का पेपर रहेगा। पाठ्य पुस्तक और पाठ्य विषय यहाँ से आप देख सकते हैं, ये आपके पाठ्य पुस्तक और पाठ्य विषय रहेंगे। ये आपका हिंदी का एग्जाम पैटर्न है, ये चेंज भी होता रहता है। ठीक दोस्तों, मेन जो आपकी पाठ्य पुस्तक रहेंगी और पाठ्य विषय रहेगा, कहाँ से आपका दोस्तों पेपर आएगा, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों जो आपका हिस्ट्री का सिलेबस रहेगा वो भी देख सकते हैं, यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न भी दिया गया है। ठीक दोस्तों, क्या आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा देख सकते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न चेंज होता रहता है, लेकिन जो आपका एग्ज़ाम सिलेबस हो वो सेम रहेगा। टोटल इसमें 4 सेक्शन रहेंगे, 4 सेक्शन के अंदर देख सकते हैं कौन कौन से चैप्टर रहेंगे, कौन कौन सी यूनिट रहेंगी, यहाँ से आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद में जो आपका अगला सब्जेक्ट रहेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स रहेगा दोस्तों, उसका पेपर कोड देख सकते हैं, टाइमिंग देख सकते हैं, पेपर पैटर्न देख सकते हैं, सिलेबस देख सकते हैं। टोटल 4 यूनिट रहेंगी देख सकते हैं, यूनिट के अंदर कौन कौन से आपके टॉपिक रहेंगे, यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद में जो आपका अगला सब्जेक्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपका अगला सब्जेक्ट रहेगा, इसके अंदर आप देख सकते हैं जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है वो दिया गया है, एग्ज़ाम सिलेबस यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। उसके बाद में जो आपका अगला सब्जेक्ट रहेगा पॉलिटिकल साइंस, इसका एग्ज़ाम सिलेबस भी यहाँ पर आप देखते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न भी दिया है। टोटल इसमें आपके 3 पार्ट रहेंगे, पार्ट के अंदर यहाँ पर आप टॉपिक देख सकते हैं, कौन कौन से चैप्टर रहेंगे, कौन कौन सी यूनिट रहेंगी आपकी। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं, आज आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। उसके बाद में जो आपका अगला सब्जेक्ट रहेगा संस्कृत का, इसका एग्ज़ाम सिलेबस भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, टोटल कितनी यूनिट रहेंगी। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक यूनिट में ऐसे क्वेश्चन कितने कितने नंबर के आएंगे यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक दोस्तों, बीए थर्ड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने डिस्टेंस एडमिशन ले रखा है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में, वो अपना एग्ज़ाम सिलेबस यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम सिलेबस मैंने आपको दिखा दिया है, जैसे इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, संस्कृत, ठीक है दोस्तों, और माइक्रो इकोनॉमिक्स, इन सभी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम सिलेबस मैंने आपको दिखा दिया है। अब इनमें से एक सब्जेक्ट की दोस्तों जो आपकी सिलेबस है दोस्तों, उसकी पूरी बुक की पीडीएफ भी आपको मैं दिखा देता हूँ, कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, किस तरह की पीडीएफ रहेगी। जो आपकी इंग्लिश की बुक रहेगी दोस्तों, उसकी पीडीएफ यहाँ पर आपको मैं दिखाऊँगा, देख सकते हैं। बीए थर्ड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश का एग्ज़ाम सिलेबस देख सकते हैं, पूरी बुक देख सकते हैं। पीडीएफ कैसे डाउनलोड करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर आप पूरी बुक देख सकते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न भी इसके अंदर आपको मिलेगा, ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा थर्ड सेमेस्टर का, ये आपका एग्ज़ाम सिलेबस रहेगा थर्ड सेमेस्टर का इंग्लिश का। ठीक है दोस्तों, इस बुक के अंदर दोस्तों आप प्रत्येक यूनिट में देख सकते हैं पूरे चैप्टर मिलेंगे, ये आपका पहला लेसन रहेगा द इनोवी, पूरा लेसन आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये पूरी बुक की पीडीएफ यहाँ पर आपको मिल जाएगी। अगर आप इस पूरी बुक की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप सीधे ही पूरे बुक की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप प्रत्येक सब्जेक्ट की बुक की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जैसे इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस,
प्रत्येक सब्जेक्ट की दोस्तों जो पूरी बुक है उसकी पीडीएफ आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप अन्य कोर्सेज का एग्जाम सिलेबस चाहते हैं तो पहले से वीडियो बना रखी आप एमडीयू डिस्टेंस सिलेबस सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पर जाकर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप सीधे अन्य कोर्सेज का एग्जाम सिलेबस भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एमडीयू हेल्प को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, एमडीयू हेल्प के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट रहेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, वहाँ से आप सीधे ही फॉलो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।